अब एक बड़ी खबर है कैथल से, जहां पर कि पुंडरी के दो सरकारी गोदामों में 3,650 मीट्रिक टन गेहूं खराब हो गया, यानी कि 3,650 मीट्रिक टन गेहूं खराब हुआ है। अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही इसमें वजह बताई जा रही है। गेहूं खराब हुआ है, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की लापरवाही के भेंट यह अनाज चढ़ा है, हजारों टन गेहूं खराब हुआ है। DFSC प्रमोद कुमार ने इसको लेकर आश्वासन दिया कि संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई जरूर होगी। तो अनाज खराब हुआ है यहां पर और 3,650 मीट्रिक टन गेहूं खराब हो गया, हजारों टन गेहूं यह खराब हुआ है। 3,650 यानी कि 3,650, माफ कीजिएगा, यह आंकड़ा यह है कि 3,000 से ज्यादा मीट्रिक टन गेहूं खराब हुआ है और ये गोडाउन में रखा गया था, सरकारी गोडाउन में रखा गया था, लेकिन यहां पर यह अनाज सड़ गया है, खराब हो गया है और अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। खबर अभी तक के संवाददाता वीरेंद्र इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, क्या कुछ वजहें सामने आई है, कैसे ये अनाज खराब हो गया? देखिए आरती, मैं लगभग दो दिन से इस पूरी जो खबर है इस पे लगा हुआ। पहले एक गोदाम चेक किया गया, हमारे सामने एक गोदाम आया था जिसमें जो अनाज है वो खराब हो गया था। उसके बाद जब हम इंस्पेक्टर से, जो फूड सप्लाई विभाग का इंस्पेक्टर, उसे संपर्क करने की कोशिश की तो वो बचता नजर आया और अपना वर्जन देने से हमारे से जो संपर्क नहीं हो पाया। उसके बाद हमने डीसी साहब से बात की और डीसी साहब ने उनको स्पेशली बोला कि ये इसके ऊपर बयान दे। उसके बाद जब हम दूसरे गोदाम में पहुंचे तो वहां भी यही स्थिति थी, वहां भी सारा का सारा जो अनाज है वो खराब हो गया था। यानी हम ये कह सकते हैं कि नमी की वजह से वो अनाज खराब हो गया था, जैसा कि उसके ऊपर पानी डाला गया हो या फिर बरसात में लापरवाही की वजह से गेहूं खराब हुआ हो। इसके बाद हमने DFSC से बात की, DFSC ने हमें आंकड़ा दिया कि 3,650 मीट्रिक टन, यानी 3,650 मीट्रिक टन, एक बहुत बड़ा आंकड़ा जो है, इतना गेहूं जो है वो खराब हो गया है और सिर्फ दो गोदामों में। अगर देखा जाए तो और गोदामों में भी चेक किया जाए तो इस तरह का वो मिल सकता है। और DFSC ने बताया कि ये 19-20 का गेहूं है, वर्ष 19-20 का गेहूं है और उन्होंने ये बताया कि नमी की वजह से और लॉन्ग टर्म की वजह से खराब हुआ। क्यों खराब हुआ, बाकी की जांच चंडीगढ़ भेज दी गई है, क्या होगा पूरा मामला वो रिपोर्ट आने के बाद। बिल्कुल, ये देखना होगा कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और इसे एक लापरवाही के बाद क्या अन्य गोदामों की भी चेकिंग की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।